सगाई के बाद शारीरिक संबंध बनाकर शादी से मुकरा मंगेतर, युवती ने की दहेज एक्ट और रेप केस दर्ज किए जाने की मांग। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां एक लड़की से सगाई करने और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद दहेज में 4 व्हीलर और 3 लाख रुपए नकदी की मांग कर शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है। युवती ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर मंगेतर के खिलाफ रेप केस और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार नरवर कस्बे की रहने वाली युवती ने बताया कि करीब 2 साल पहले पढ़ाई के दौरान निहाल पुत्र नीरज कुशवाहा ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसी दौरान निहाल कुशवाहा ने शादी का झांसा देकर उससे 2 बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन शादी की बात करने पर टाल मटोल करने लगा। जब उसने उस देख शोषण की रिपोर्ट थाने में दर्ज करने की बात कही, तब निहाल कुशवाहा उसके परिवार ने 22 मार्च 2024 को लिखित में सहमति पत्र देकर शादी की बात की। इसी दौरान शादी की तारीख 15 जुलाई 2024 को होना तय हुई, इसके लिए लगन भी भेज दी गई। तभी निहाल कुशवाहा उसके परिवार ने दहेज में 4 व्हीलर और 3 लाख रुपए नकद की मांग कर शादी से इनकार कर दिया। युवती ने निहाल कुशवाहा के खिलाफ रेप केस और ससुरालियों के दहेज एक्ट का मामला दर्ज किए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया है। क्या नाम है आपका? रानी कुशवाहा। यहाँ एसपी ऑफिस आए, क्या समस्या लेके आए हो? शादी की। क्या हुआ आपके साथ? पहले मुझे उसने गुमराह किया, मेरे साथ 2 बार गलत किया, अब शादी का वादा किया था, अब शादी आ गई और अब दहेज मांग रहे हैं। गलत कैसे? मारपीट भी है, कई सारी चीजें हैं। गलत में क्या हुआ आपके साथ में? अच्छा, आप लोग कब से साथ में थे? 2 साल से। आपकी उससे बातचीत कैसे हुई? वो ही पसंद करता था। वो पसंद करता था। आपकी दोस्ती कैसे हुई? हम पढ़ने जाते थे, साथ में पढ़ते थे, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसने नंबर वगैरह दिया था, उसी टाइम से बातचीत होने लगी। नाम क्या उसका? निहाल कुशवाहा। कहाँ रहता क्या वो? नरवर में। तो उसके बाद जैसे अभी आपने आवेदन में दिया शादी का, तो शादी का क्या पूरा मामला है? शादी के लिए तैयार हो गया और शादी भी तय हो गई। शादी भी तय हो गई। कितने तारीख की शादी बन रही थी आप लोगों की? 15 जुलाई की। पंद्रह जुलाई की। फिर अब क्या समस्या आ रही है आप लोगों? अब दहेज मांग रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप?